हेलो गाइस, एंड आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गाइस। बता दूं, यहां पर मैं आपको दो पार्ट का वीडियो बनाने वाला हूं। ज्यादातर इसमें डिस्कस करेंगे आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई में करने वाला हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग के बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। और बोर्डिंग ज्वाइनिंग को लेकर जितने लोगों के पास भी रिसेंटली में देखने को मिला है उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला, बट हाँ आज रिप्लाई करने वाले आप लोग के इंपॉर्टेंट रिप्लाई कमेंट्स को। सो चलिए, आपका ये पार्ट वन वीडियो है, इसके जस्ट आधे घंटे बाद में पार्ट टू वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। दोनों प्लीज दोनों को जरूर देखना गाइस, ठीक है। चलिए बता दो, आप लोग देखो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। मे बी वो लोग का जो है ज्वाइनिंग शेड्यूल हो गया होगा, या फिर उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं करा होगा। मल्टीपल रीजन हो सकता है, मुझे रीजन नहीं पता, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं क्यों -3 हुआ। मे बी तीन लोगों ने अपना कंपनी ज्वाइन नहीं करा होगा, या फिर तीन लोगों को अपना ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो गया होगा, या फिर तीन लोगों ने अपना अदर कंपनी ज्वाइन कर लिया हुआ, फिर उनको जो है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुआ होगा उनका, इसलिए वो जो भी हो सकता है, जो भी हो जैसा भी हो। फिलहाल अभी 279 कैंडिडेट शो कर रहे हैं पोर्टल पे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। चलिए, नो अपडेट आफ्टर निंजा पुणे, जुलाई 16 जुलाई ऑफर लेटर जनरेटर वेन। देखो 16 जुलाई वालों का भी कोई अपडेट्स नहीं है, 15 जुलाई वालों का भी आई थिंक कोई अपडेट्स नहीं है, बट हाँ अभी एज ऑफ नाउ टिल दिसंबर और नवंबर यू कैन एक्सपेक्ट योर ज्वाइनिंग लेटर। ओके सर, वेन कैन वी सितंबर ऑफर लेटर रजिस्टर एक्सपेक्ट देयर ज्वाइनिंग लेटर। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था गाइस, फिलहाल अभी आप लोग मैंने बताया था। देखो जो ज्वाइनिंग लेटर का कमेंट जितने भी आने वाले मैं आपको कवर अप कर दे रहा हूँ, नवंबर दिसंबर, ठीक है। देखो नवंबर ऑलरेडी ऑन गोइंग है, आज आपका हो गया, मैं एक बार डेट देख लेता हूँ, आज आपका हो गया 24 नवंबर। ओके सो गाइस, अभी आप लोग देखोगे तो ये जो ये महीने के एंड तक ज्वाइनर किसे सेंड करेगी, ओके डेफिनेटली करेगी, बट वो ज्वाइनिंग आपका होगा दिसंबर में, और दिसंबर में अगर आपको ज्वाइनर देखने को मिलता है तो ज्वाइनिंग होगा जनवरी में, क्योंकि जनवरी में भी कुछ लोगों के ज्वाइनिंग पोस्टपोन्ड हुए हैं, बट एज ऑफ नाउ दिसंबर तक ही आप लोग अपना ज्वाइनिंग का एक्सपेक्टेशन करना। अगर बाद में ये जनवरी में शिफ्ट होता है तो मैं आपको दिसंबर के एंड तक अपडेट करूंगा, डोंट वरी, मैं आपको डेली अपडेट करूंगा गाइस। अगर कुछ भी चेंजेस, कुछ भी न्यू डेट्स, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है हमारे पास, डेफिनेटली आपको अपडेट करूंगा, बट एज ऑफ नाउ जस्ट वेट टिल नवंबर एंड दिसंबर फॉर योर ज्वाइनिंग लेटर। ओके सितंबर ऑफर लेटर सेम मैंने बता दिया, प्लीज रेज अ वॉइस फॉर भोपाल रीजन और नो ऑन ऑफर लेटर ज्वाइनिंग एंड नो अपडेट ऑफ ज्वाइनिंग लेटर। सी यस डेफिनेटली गाइज, भोपाल वालों में भी काफी लोग ऐसे कैंडिडेट जिनके पास अभी ज्वाइनिंग देखने को नहीं है गाइज, आप लोग कमेंट में बताना हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम भोपाल हु डिडंट गॉट देयर और ज्वाइनिंग लेटर, प्लीज गाइज कमेंट करना, एक बंदे कमेंट करना, मल्टीपल उसमें लाइक कर देना, मैं समझ जाऊंगा, फिर मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके मैं लेता हूँ यहाँ पर हाईलाइटर। ओके आई हैव कंप्लीटेड माय टीसीएस स्मार्ट इंटरव्यू ऑन 26 अगस्त इन चेन्नई। आफ्टर समडे आई गोट रिग्रेट मैसेज इन माय नेक्स्ट डे पोर्टल। आफ्टर समडे आई गोट चेंज टू बेस्ट स्टेटस नेक्स्ट डे पोर्टल। नाउ अगेन चेंज टू रिग्रेट स्टेटस पोर्टल। इज दिस मीन आई रिजेक्टेड? यस, क्योंकि आपका जो फाइनल स्टेटस होगा वो आपको फाइनल होता है, ठीक है। ऑपरेटर रिसीव 17 जुलाई इस पर प्राइम रोल, वेन कैन एक्सपेक्ट मेजर? मैंने बताया गया नवंबर दिसंबर, ठीक है। आई हैव कंप्लीट माई, मैंने बता दिया आप लोग को सर, अब भी अप्लाइड फॉर ड्राइव हेड इन टी सी एस नेक्स्ट प्रोडक्ट का मतलब क्या? देखो अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन, अगर आपने एक एग्जाम दे रखा है इट्स ओके, अगर एग्जाम नहीं दे रखे हो तो आप लोग एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाना। अगर आप एग्जाम दे चुके हो तो पर रिजल्ट अभी आने वाला है तो इसका फिर कोई मतलब नहीं होता है। अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन तब आता है जो आप लोग टी सी एस में अप्लाई करते हो, तो आपको अप्लाई फॉर ड्राइव आप करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो इंटरव्यू का जब आता है तो आपका बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, तो इसका कोई ज्यादा कुछ यूज नहीं है गाइस, ठीक है। आई गॉट ऑफर लेटर फॉर स्मार्ट रोल ऑन सितंबर 18, व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट माय ज्वाइनिंग लेटर? डेफिनेटली द मंथ ऑफ आइदर नवंबर और दिसंबर 2025 बैच। आई गॉट दिस मेल आफ्टर अप्लाइंग, ये तो अलग है। डिजिटल देहरादून उत्तराखंड ऑफर लेटर 3rd अगस्त, सर्वे मेल 2nd नवंबर, 2nd सितंबर, प्रोडक्ट मेल 60-70% कंप्लीट, आईपीए अटेंडेड, कैन आई गेट जनरेटर दिसंबर मंथ? इट्स ऑलरेडी 3 मंथ, डेफिनेटली कैन एक्सपेक्ट जनरेटर बाय नवंबर और दिसंबर। ओके एमबीए वालों का भी सेम नवंबर दिसंबर। आई हैव गॉट माय जनरेटर फॉर 12 दिसंबर डिजिटल प्रोफाइल। सी देखो इनके पास आया है, आई हैव गॉट द जनरेटर फॉर 12 दिसंबर डिजिटल प्रोफाइल के पास, बहुत सारे पास आया है। इग्नाइट का मार्च में ऑफर लेटर आया था, देखो इग्नाइट का पास कोई अपडेट्स नहीं है, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इस 2 मंथ में आप लोग भी अपना, देखो किसी भी वीक में मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग को टीचर्स कोई भी ज्वाइनर सेंड कर सकती है, नेवर नो, बट आपको पास थोड़ा पैसेज रखना पड़ेगा। अभी फिलहाल नवंबर दिसंबर 2 मंथ आपके पास है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट। ओके इंटरव्यू 5 जुलाई, ऑफर लेटर 16 जुलाई, देखो 16 जुलाई वालों के पास भी कोई अपडेट्स नहीं है गाइस, ये चीज आपको ध्यान देना। 15 जुलाई एंड 16 जुलाई ये भी कुछ बहुत सारे लोगों के पास अपडेट्स नहीं है रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग, तो फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा और नवंबर दिसंबर 2 मंथ तक वेट कर लेना गाइस, ठीक है। स्मार्ट 24
सैलरी अकाउंट, यस यस दे कैन अलाउ, डोंट वरी। व्हाट अबाउट एमबी कैंडिडेट स्टेशन अपडेट? एमबी वालों को मैं बताया अभी कोई अपडेट्स नहीं है, बट एज ऑफ नाउ अगर बोलोगे सर कब तक एक्सपेक्टेशन कर सकते हो तो नवंबर दिसंबर, ओके। मोस्ट जुलाई वाले ज्यादा आप बचे हुए थे तो अब उनका ही आ रहा है, होप 2-3 महीने के अंदर सबका आ जाएगा। डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा गाइस, जुलाई में बहुत सारे लोगों के पास ऑफर देखने को मिला था, ठीक है। एमपी वाले को इनका भी नहीं आया है ना, 13 जुलाई वालों का भी नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल रिजल्ट 11 अक्टूबर, देखो 11 अक्टूबर का रिजल्ट कब, देखो अपडेट्स नहीं गए, डेफिनेटली मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी कुछ ऐसा हो आता है मेरे पास अपडेट्स, तो ठीक है। नवंबर दिसंबर डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट, ओके। नवंबर दिसंबर सेम, नेक्स्ट पोर्टल रिगार्डिंग रिजल्ट वेट करो, डेफिनेटली अगर क्वालिफाई करोगे तो बेस्ट आ जाएगा, नहीं क्वालिफाई करोगे तो कोई अपडेट स्टेटस में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सर आप सर व्हाट अबाउट 11 जुलाई वालों का भी कोई अपडेट्स नहीं है, 11, 15, 16 ये कुछ डेट्स है, 13 कोई प्रॉपर अपडेट्स देखने को नहीं मिले हैं। कुछ लोग के पास आया, मैंने वीडियो बना रखा है, हेलो पप्पू जी माई ऑफर लेटर 13 जुलाई, ऑफर लेटर रीजन भुवनेश्वर, माई थ्री प्रिफरेंसर डिले ड्यू टू माई लोकेशन प्रिफरेंस, नो जॉइनिंग डील इज नॉट रिलेटेड टू योर लोकेशन प्रीफिक्स, ओके डोंट वरी। ऑफर 13 जुलाई लोड इंजा रीजन भुवनेश्वर, देखो भुवनेश्वर कोलकाता वालों को डेफिनेटली नवंबर दिसंबर में आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। एनी फ्रॉम 13 जुलाई में 33 कैंडिडेट से गए, मतलब जुलाई वालों में काफ़ी लोग ऐसे कैंडिडेट जिनके पास ज्वाइनिंग नहीं आया है, 33+ ऊपर देखो 8 है, ऊपर से 5 है, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनका 13 जुलाई जो है भुवनेश्वर कोलकाता से बिलोंग कर, जिनके पास कोई भी अपडेट्स नहीं आएगा, इस सब सोच के देखो। लेकिन नवंबर दिसंबर डेफिनेटली कैन एक्सपेक्ट, ओके, दिस इज वेरी ट्रू। मी ऑल्सो गोल्ड ऑफर डिजिटल 17 जुलाई फ्रॉम पुणे, नो अपडेट्स है वेरी येट अबाउट जुलाई, है ना, 17 जुलाई 13 जुलाई है ना, तो बहुत सारे डेट्स ऐसे हैं जिनके तो कोई अपडेट्स नहीं है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आपका जो काफी जल्द जनरेट हो जाएगा नवंबर दिसंबर, दो बस 2 महीने वेट करना। एमबीए प्रोग्राम देखो, एमबीए वालों को मैंने बताया कोई अपडेट्स अगर आप अभी फिलहाल के लिए कोई अपडेट्स नहीं है, बट जब भी कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। भुवनेश्वर वाला का भी सेम मैंने बता दिया, हैदराबाद बट आई हैव ऑफर लेटर फ्रॉम डेलॉयट अर्लियर, बट सिंस द पैकेज इज वेरी लेफ्ट दिस टाइम गॉट ऑल्सो मेल आफ्टर दैट रिजेक्शन, ओके। आप टीचर ज्वाइनिंग लेटर नहीं देगा इसके थ्रू? नहीं, ऐसा नहीं है, देगी, डेफिनेटली देगी। और 16 जुलाई देखिए, 16 जुलाई को बताया गया आप लोग काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा नवंबर दिसंबर में। टीचर्स ऐसा कर रही है फिलहाल, देखो वेट करो आप लोग, डेफिनेटली काफ़ी जल्द आपके पास भी देखने को मिलेगा गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग वेट कर ही रहे हैं, इग्नाइट वालों को भी कोई प्रॉपर अपडेट्स नहीं आए गाइस। तो दिस लिंक एमबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट को करेक्ट करेक्ट असेसमेंट तुम्हारे पर डिपेंड कर रहा था, अब जुलाई वाले बचे हुए हैं, हाँ करेक्ट, ओके। और 26 जुलाई वालों को भी नहीं आया है, एमबी क्रेडिट्स वालों का भी कोई अपडेट्स नहीं है, ओके। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर वीडियो गाइस, क्योंकि जाता वही वही सर अपडेट्स वगैरह है, फिर अब 2 महीने आपके पास है, वेट कर, डेफिनेटली आपके पास भी देखने को मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।